गाइस आज हम करेंगे अपाची का ब्रेक शू चेंज। ड्रम वाला ब्रेक शू होता है, इसको हम चेंज करेंगे। इसको नॉर्मली 15,000 से 18,000 किलोमीटर चलने पे चेंज करना चाहिए, वो भी राइडर के ऊपर है वो कितनी चलाता है। नॉर्मली इतने पे चेंज करनी चाहिए, अगर आप ज्यादा ब्रेक मारते हैं तो उससे पहले भी चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे चेंज करते हैं। इसको चेंज करने के लिए हमें एक ये वाला बोल्ट खोलना है, ये वाला, और इसको खोल के इसको बाहर निकालना है। तो इसके लिए हमें पहले हम ये खोलेंगे, तो इसके लिए हमें 13 नंबर की डी की जरूरत पड़ेगी। तो इसको हम खोलते हैं पहले, ये इससे सपोर्ट बनी रहती है, इसको ड्रम को फंसाए रखता है। इसको मैंने पहले ही थोड़ा लूज कर दिया था, हम इसे जल्दी जल्दी खोलते हैं। आप मैकेनिक के पास जाएंगे वो आपसे पैसे लेगा, आप खुद से भी चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा आप सोचते हैं बड़ा काम है, इससे आप खुद से भी चेंज करें और इजीली चेंज हो जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा प्रोसेस। उसके बाद आप ये खोलें, इसके लिए हम 22 नंबर की डी का यूज़ करेंगे। रिंग का भी हो सकता है, गोटी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास डी है तो हम डी का यूज़ कर रहे हैं, रिंग भी है, डी से इजीली खुल जाता है। देखिए ये नट खुल गया, ये आप नट संभाल के रखें, सब चीजें पास में ही रखें, कहीं मिस ना करें, इनका यूज होगा। उसके बाद आपको ये निकालना है, इसके लिए हमें 12 नंबर की डी की जरूरत पड़ेगी। इसको आप ऐसे प्रेस कर लें तो जल्दी निकल जाएगा। गाइस देखिए हमने ये खोल लिया, सब निकाल लिया, अब इसको बाहर निकाल ले। अब इसको एक्सल को हमें अंदर करना पड़ेगा, जब भी जाके हमारा ये ड्रम बाहर निकलेगा। हम इसको करते हैं अंदर की तरफ और फिर निकालते हैं। किसी खराब पेच का सही मार्क निकाल सकते हैं। गाइस जैसे कि देख सकते हैं आप, ये हमने निकाल लिया है। इसको आप संभाल के रखें और हमें अब ये बाहर निकालना है। पहले ये अलग कर दें, ये देखिए ये निकाल ले, इसका वायर सर भी संभाल के रखें। अब हमें ये ड्रम निकालना है बाहर, तो इसमें नॉर्मली 2 लोगों की जरूरत पड़ सकती है आपको, ये बाइक को टेढ़ी भी करनी पड़ सकती है। इसको निकाल के हम आपको फिर दिखाते हैं। तो गाइज हमारा ये ड्रम निकल चुका है, आप देख सकते हैं, ये ब्रेक शू देख सकते हैं आप, बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और इधर लाइनिंग भी आ गई है काफ़ी। तो जब आप इसको हम निकालते हैं जल्दी से, इसको देखिए, इसको निकालने का बहुत इजी तरीका है। इसको यूं करें और आप ये निकाल लें ब्रेक शू, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल ख़त्म है। कई ब्रेक मारते थे, ब्रेक लगते भी नहीं थे हमारे, तो हम इसको चेंज करेंगे। उससे पहले आप इसको क्लीन करें किसी ब्रश से, और क्लीनर की मदद से भी क्लीन करना होगा। इसके लिए हम कपड़े का यूज़ करेंगे और इसको क्लीन करेंगे।
अब इसको क्लीन करते हैं। इसके लिए मैं एक ब्रश ले लेता हूँ, देख सकते हैं काफी गंदा हो गया है ये। तो गाइस इसको हम क्लीन करते हैं। एक खराब ब्रश की मदद से ये मैं बाइक के लिए यूज करता हूँ, इससे आप इसको क्लीन कर सकते हैं। इसको भी थोड़ा सही से क्लीन करें ताकि आप लगाएं तो इजीली बढ़िया से लग जाए। तो गाइज हमने इसको क्लीन कर लिया, अब इसको वॉश कर लेते हैं तो जो भी कचरा होगा हमारा निकल जाएगा। देख सकते हैं कितना काला गिर रहा है, काफी टाइम से लग रहा है क्लीन नहीं हुआ है। धोने के बाद आओ काट दो। तो गाइज हमने इसे वॉश कर लिया, इसको कपड़े की मदद से साफ कर लें। तो ये देखिए काफी काला था, देख रहे हैं आप कितना वैसा हो गया कपड़े से साफ करने के बाद। तो कोई भी चीज अगर आप बाइक में लगा रहे हैं, दोबारा रीइंस्टॉल कर रहे हैं, तो आप निकालने से पहले उसको क्लीन कर, निकाल के फिर क्लीन कर लें, और लगाने से पहले क्लीन करके ही लगाएं ताकि वो डस्ट ना जाए दोबारा। इससे हमारे बाइक में बहुत इफेक्ट पड़ता है, डस्ट पे, बैरिंग पे जाता है, ग्रीस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। देख सकते हैं गाइस कितना क्लीन हो गया ये साफ करने के बाद। सो गाइज अब हम इसमें नया लगाएंगे। तो गाइज ये है अपाची का ब्रेक शू, बिल्कुल जेन्युइन पार्ट है। इसका मार्केट प्राइस आप देख सकते हैं 180 रुपीज है, बट इसे हम 130 रुपए का लाए हैं और ये हम अपनी बाइक में लगाएंगे। चलिए इसे ओपन करते हैं। तो हम लगाएंगे, इसकी ओपनिंग करते हैं। तो गाइज देखिए डबल पैकिंग में है, लोकल सिंगल पैकिंग में ही होता है। तो गाइज आप देख सकते हैं ये हमारा नया पीस है और ये पुराना पीस है। आप देख लिए ये बिल्कुल लाइनें पड़ गई हैं, और ये ब्रेक लगाने पे ब्रेक लगता भी नहीं था। तो गाइज हम ये नया लेके आए हैं और इसको देखिए अब हम लगाएंगे, लगाने का प्रोसेस भी बता। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया ये बिल्कुल जेन्युइन पार्ट है और इसको हम लगाते हैं। इसको लगाने का तरीका आपको बताता हूँ मैं। सो कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ हमें इसमें यूं फंसाना है। तो गाइस इसको लगाने का तरीका सिर्फ ये है कि इसको हमें इसमें यूं फंसाना है, सिर्फ आना है। ये हो गया और इसको इधर फंसाना है। देखिए गाइस ये बहुत इजी बैठ गया है और इसको हम जल्दी से अब फिट करते हैं। इसको फिट करने का वही तरीका है जैसे हमने निकाला है, तो हम इसको जल्दी से लगाते हैं। अब देखिए देखिए गाइस ये ऐसे बैठ गया। गाइस पहले हम इसको फिट कर लेते हैं। गाइस देखिए आप ये लग चुका है इसको,
एक्सएल को भी हमने लगा दिया। इसको पहले हम टाइट कर लेते हैं थोड़ा सा। गाइस इसको हम ये ब्रेक का लीवर लगा लेते हैं पहले। इसको भी लगा देते हैं। तो गाइस देख सकते हैं हमने अब इसे जल्दी से हम टाइट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस इसको हम फुल टाइट कर देते हैं। एक्सेल का ध्यान रख के आप फुल टाइट कर दें, क्योंकि व्हील है चलते में निकल गया या लूज हो गया तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसको आप फुल टाइट कर लें। और जैसा कि ये बोला था 13 नंबर की डी से करें या गोटी, इसको ही फुल टाइट करते हैं, आपके ड्रम को रोके रखता है। और अब आप ब्रेक को ने एडजस्टमेंट के हिसाब से टाइट कर दें, जैसे आपको और 12 नंबर की इस पे लगेगी। गाइस आप टाइट करने के बाद एक बार चेक कर लें ऐसे लगा के कि लग रहा है नहीं लग रहा, आपको जिस हिसाब से रखना है आप उससे सेट कर दें इसको। और ध्यान दें कि ज़्यादा टाइट ना करें, नहीं तो आपके टायर पे फर्क पड़ेगा, फंस फंस के चलेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं बिल्कुल ये फिट हो गया है, और आप अपने अनुसार अपनी व्हील को एक बार घुमा के देख लें और ब्रेक मार के देख लें कि सही लग रहा है नहीं लग रहा है, क्योंकि ब्रेक ही बाइक में सबसे, कोई भी गाड़ी हो सबसे मेन पार्ट उसका ब्रेक होता है। अगर आपका बाइक हो या कार हो उसमें सबसे मेन पार्ट जो होता है ब्रेक का होता है। आप ब्रेक एनी टाइम चेक करते रहें, अगर आपका ब्रेक काम नहीं कर रहा तो आपकी बाइक ना चलाएं, पहले आप अपने ब्रेक को सही करा लें उसके बाद ही बाइक को चलाएं। तो गाइस बहुत इजी तरीका था, देखिए 10 से 15 मिनट में आप
अपने ड्रम को निकाल के और ब्रेक शू लगा के फिर वापस फिट कर सकते हैं। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन वाले बटन को ऑल पे सेट करें। हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। तो गाइज इसी तरह ये ब्रेक शू लगाया जाता है, बहुत इजी तरीका है, मैंने आपको दिखा दिया, बहुत इजी। आप मैकेनिक के पास जाएंगे, 200-300 रुपये आपसे सर्विस चार्ज ले लेगा, उससे बढ़िया आप अपने खुद से लगाएं मात्र 10 से 15 मिनट में अगर। और गाइज मैंने अभी कुछ दिन पहले ये साइलेंसर भी पेंट किया था, हीट रेजिस्टेंट पेंट से, परमानेंट पेंट से, टीवीएस का सर्विस है, टीवीएस का मंगाया था मैंने, और आपको ही मंगाना है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।